हेलो बेमोन स्वागत है आप सभी का आप सभी के यूट्यूब चैनल राय एजुकेशनल में मित्रों राय एजुकेशन चैनल पर आप सभी को महत्वपूर्ण सुनवाई के संबंध में आपको उनहत्तर हज़ार भर्ती विशेषता संबंध में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट प्रोवाइड हम करते हैं तो आप सभी को पता है कि कल आपकी सुनवाई बहुत विशेष है और इसके बारे में मॉर्निंग में भी अपडेट आप लोगों को मैंने प्रोवाइड की थी हालाँकि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वहीं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के बीच में लेकर आऊँ बेफजूल की बातें बात करने से भी कोई मतलब नहीं है अपना समय और आपका कीमती समय नष्ट करने का भी कोई औचित्य नहीं है तो नृत्य प्रति संबंधित सुनवाई संबंधी महत्वपूर्ण बातें करेंगे और पक्ष की सुनवाई तो पूरी हो चुकी है लेकिन विपक्ष की तैयारी को भी तो देख लीजिए कैसी है तैयारियाँ और आपको बहुत ढेर सारे ऑडियोस बहुत ढेर सारे पोस्ट आपको देखने को मिलते होंगे तो पहले विपक्ष की बातचीत कर लेते हैं फिर अपनी तैयारी अपनी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और किस चीज़ पर हम लोग को फोकस पिन पॉइंटेड चीज़ों पर बातचीत चीज़ करनी चाहिए उस पर बातचीत करते हैं तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो मित्रों जैसे आप सभी को पता है कल लखनऊ खंडपीठ में उनहत्तर शिक्षक भर्ती पासिंग मार्क्स प्रकरण की डेली लिस्ट हालांकि ये मैं इसको हमेशा मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क ही बोलूँगा ओके तो आप सभी जानते हैं टेलीकॉज लिस्ट नंबर दो पर है कोर्ट नंबर एक में माननीय जस्टिस पंकज जायसवाल और माननीय जस्टिस आलोक माथुर जी की खंडपीठ में सुनाई आपकी सुनिश्चित है जो मुझे आ, अगर मैं कहूँ तो साढ़े दस पौने ग्यारह के बीच में आपको सुनवाई देखने को मिलेगी हालांकि मॉर्निंग की अपडेट आपको प्रोवाइडेड होती रहेगी हमारे इस चैनल से जो चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अब इम्पॉर्टेंट बातचीत आपसे करना स्टार्ट करते हैं तो कल कोई भी फ्रेश केस नहीं सुना जाएगा सिर्फ एडिशनल लिस्ट और डेली लिस्ट के ही केस सुने जाएंगे यदि कोर्ट ने चाहा तो कल इस केस को आफ्टर लंच पूरे टाइम सुन सकती है ये कोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है और आफ्टर लंच की बात कही जा रही है यहाँ पर ये मैं विपक्ष की तैयारियों के ऊपर बातचीत आपसे कर रहा हूँ ओके माननीय जस्टिस इरशाद अली की जगह माननीय जस्टिस आलोक माथुर पीठ में होंगे स्वाभाविक है कि केस की कुछ स्थितियाँ परिवर्तित होने की संभावना है केस की कुछ स्थितियाँ परिवर्तित होने की संभावना इसका अर्थ नहीं पता मुझे पहली बात ये मैं विपक्ष की बात कर रहा हूँ ओके तो कुछ स्थितियाँ परिवर्तित होने की संभावना है ये मतलब ठीक है विपक्ष के सभी अधिवक्ताओं का आर्गूमेंट पूरा हो चुका है अब यदि कोर्ट चाहेगी तो विपक्ष के अधिवक्ताओं से रिटर्न सबमिशन ले लेगी जो केस को शॉर्ट टाइम सॉल्व करने के लिए लीगल प्रोसेस है चलिए बहुत अच्छी बात है टीम को हर स्थिति में निपटने के लिए तैयार रहना होगा जिसमें आप सभी का आर्थिक सहयोग अग्रणी भूमिका अदा करेगा यानी कि ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है आर्थिक सहयोग Hashtag विपक्ष ठीक है तो ये दूसरी बात रही आगे बात करते हैं कल से महत्वपूर्ण सुनवाइयों के दृष्टिगत आप सभी अपना महत्वपूर्ण सहयोग अवश्य प्रेषित करें अब आपकी जो टीम है वो अधिवक्ताओं की सम्मीशन या बहस स्टार्ट आ, करेगी और जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं अधिकाओ अधिवक्ताओं की तैयारियां जो ब्रीफिंग के संबंधित इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो तैयारियों को लेकर रहेगी तो विपक्ष का यही आपका रोना रहता है हमेशा पहली इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है कि कुछ नया हम करेंगे जो आपके सो कॉल्ड पक्षधर हैं वो नहीं कर पाए हैं दूसरा उनका रहता है कि आर्थिक मदद ये दो बहुत अच्छी चीज़ें हैं और इनके द्वारा यही चीज़ रहती अब बात करते हैं अपनी पक्ष अपना पक्ष कौन सा है मित्रों साठ पैंसठ मैं इसको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये सरकार का पक्ष है और हम सरकार के साथ हैं तो उसकी बात कर लेते हैं तो विपक्ष की बात सुन ली आपने बहुत ढेर सारे पोस्ट वायरल होते हैं हालांकि मैं बहुत जल्द विपक्ष की चीजों पर मैं टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता लेकिन ये सारी चीजें मुझे स्क्रीन करके किसी वेबसाइट से मुझे शेयर की गई थी व्हाट्सएप पे तो उसको लेकर मैं आप लोगों से बता रहा था कि, किसी ने भेजा है तो उसको लेकर थोड़ा सा आप लोगों के समक्ष ये चीज़ बात रखनी चाहिए चाहिए कि ढेर सारे पोस्ट ऑडियो और ढेर सारे आपको क्योंकि कल सुनवाई है तो ये विपक्ष का सबसे इम्पोर्टेंट रहता है क्रियाकलाप कि लोगों को बरगलाना चाहिए पहली चीज़ दूसरी चीज़ लोगों को ये भ्रमित करना चाहिए कि हमारा सबसे इम्पोर्टेंट था सारी चीज़ें तैयार हैं हालांकि आप लोगों को बता दूं आपके जितने भी लीगल टीम के सदस्य हैं उन तक ये बात जरूर पहुंचनी चाहिए कि जो भी पिन पॉइंटेड आपके प्रश्न हों एक चीज याद रखिएगा कोर्ट में और जज महोदय के सामने ये अपने अधिवक्ताओं से बात रखी जानी चाहिए कि आपका समय कोर्ट का बिना मतलब की बातों में और सिंगल बेंच की बात को दोबारा दोहराने का जो समय है वो ना होकर यहाँ पर पिन पॉइंटेड और नई कुछ बातें रखी जानी चाहिए दूसरी बात जब भी कोई बेमतलब जैसा सिंगल बेंच में हुआ था ना कि लोग कह रहे थे कैसे कोई जज को बहरा फुसला सकता है तो अगर आपको ये अपने अधिवक्ताओं से ये चीज़ को सबसे पहले इम्पॉर्टेंट तरीके से बात रख दीजिएगा कि जब भी ऐसा कुछ प्रकरण देखने को मिले जो भी पॉइंट पर इस चीज़ को मैं बहुत इम्फेसाइज़ करके बोलूँगा कि जब भी भ्रमित करने की बातें हों जो पूर्णतः असत्य हों गलत तथ्य हों बिना मतलब की बातें रखे जानी चाहे जब शुरू हों तो उस पर सीधे सीधे बीच में इंटरफियर करना पड़ेगा और पिन पॉइंटेड प्रश्न रखना पड़ेगा कि जो सही बातें वो रखा जाए बिना मतलब की बातों को यहाँ पर रख अदालत का और वरिष्ठ व्यक्तियों का इसके अलावा जो उनहत्तर हज़ार भर्ती से चार लाख दस हज़ार अभ्यर्थी और उनके पंद्रह सोलह लाख परिवारों का समय न नष्ट किया जाए क्योंकि बहुत लंबा नौ से दस महीने का पूरा समय नष्ट हुआ है अब ना हो तो बेहतर होगा तो ये कुछ पॉइंट है जो आप लोगों को रखे जाने चाहिए बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाने का मेरा देह है क्योंकि आप लोगों को रात में जाते जाते अपने बिस्तर पर लेटते लेटते आपको एक पॉ बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आनी चाहिए कि समय अब हमारे पास नष्ट करने के लिए नहीं है समय बहुत नष्ट हो चुका है और ये अपने अधिवक्ताओं को हमको बहुत अच्छे से समझा देना चाहिए एज़ फार एज़ लीगल टीम और जो भी व्यक्ति हैं व्यक्तिगत उनको ये चीज़ समझना है कि बे मतलब बेफजल की बातों में समय नष्ट ना हो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें और लंबा डेट प्रकरण ना हो क्योंकि रोस्टर नियम में बार बार बदलाव होगा बार बार नए नए चीज़ों रखे जाने की कोशिश करेंगे तो ये चीज़ ना हो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा बहरहाल कल की सुनवाई के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि कल बहुत बेटर कुछ देखने को मिले और जो भी है आपके पक्ष में और आपका पक्ष जो पहले से मजबूत है वो और भी मजबूत होता चला जाए कल विशेषता में तो कल के अपडेट मिलेंगे कल की अपडेट सारी आपको दस बजे से मिलनी प्रारंभ हो जाएंगी तो बने रहिए राय एजुकेशनल के साथ और स्माइल करिए आप बहुत मजबूत पक्ष के साथ हैं और आपकी जीत सुनिश्चित है साठ पैंसठ अटल सत्य है धन्यवाद